सच का साथी। एबीपीएस न्यूज टीम का कारवां आगे बढ़ते हुए जिला अमरोहा पहुंचा, जहां पर देखा गया कि गांव में ग्राम प्रधानों द्वारा सोलर लाइटों का निर्माण कराया गया, तो वहीं नलों को रिबोर कराकर स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम प्रधान के प्रयासों से शौचालयों का निर्माण कराया गया, तो इसके साथ साथ तमाम अन्य योजनाएं जो सरकारों द्वारा चलाई गयी उन्हें आम जन मानस तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया, ताकि लोग अच्छे से अपना रास्ता तय कर सके। इसमें सीसी रोड के साथ साथ टाइल्स वाली रोड के अलावा कच्चे काम के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से भी रास्तों का निर्माण कराया गया है, तो वहीं प्राथमिक विद्यालयों में भी ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि के द्वारा तमाम कार्य कराए, चाहे वो मॉडल शौचालय का मामला हो, चाहे स्कूल में टाइल्स बिछाने का मामला हो। आगे की बात सुनते हैं सीधे ग्राम प्रधान की जुबानी। मैं ग्राम प्रधान कनेटा मुन्नेशा बोल रहा हूँ। मेरे गांव में रास्तों की बहुत परेशानी है भाई, कोई धनराशि नहीं मिलने के कारण कोई रास्ते नहीं बन पाए हैं। नाले से मेरे गांव में, पूरे गांव में गंदगी हो रही है। ईदगाह तो जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हम जैसे तैसे जाते हैं, गिरते पड़ते बड़े बूढ़े लोग पहुँच भी नहीं पाते ईदगाह पर। बहुत समस्याएँ चल रही हैं। इधर डीलर का गाँव में सही सहयोग है हमारे, किलो 5 किलो दे रहे हैं यूनिट पे, 2 लीटर तेल दे रहे हैं और टाइम पे बांट रहे हैं। और गांव में बजट नहीं मिल रहा हमें बिल्कुल भी, परेशान है, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए। लाभार्थी के खाते में पैसा डाल दिया शौचालय का, लाभार्थी बना नहीं रहे हैं, डंडा हमारे ऊपर आ रहा है सरकार का। बताओ हम क्या करें, सारा काम काज छोड़ के लाभार्थी के पीछे पीछे फिरते हैं, वो अपना शराब पी के कहीं मस्त घूम रहे हैं, कोई नहीं बना रहा। और सरकार हमें परेशान कर रही है कि बनाओ बनाओ, हम कहाँ से बनाएं साहब। और सारे रास्ते बेकार पड़े हुए हैं, जल भर रहा है, पानी भर रहा है, कीचड़ हो रही है, कोई विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा हमें। अब क्या करें, हम तो घर पे हाथ पे हाथ रख के बैठे गए हैं अपने। बहुत